उस विचार करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत हमको क्यों पड़ी। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें कि जब हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, अगर हम लोग के पास जो सिस्टम होता है, जैसे हम लोग मान लीजिए यूजर ए है, कोई यूजर ए है, उसको क्या करना है, डेटा जिसके पास डेटा है, ठीक, वो डेटा अपने सिस्टम में स्टोर कराया है। ठीक, डेटा में हमारा उसके जो सिस्टम है, ठीक, उसमें डेटा को स्टोर कराया है, उसके पास एक क्या हार्ड डिस्क है, उसमें डेटा क्या है स्टोर है। अब क्या चांस होता है कि उसको वो यूजर कहीं चला गया, अब उसके पास सिस्टम है, वो घर पे है और कहीं चला गया, ठीक, अब उसको क्या करना है, उस डेटा को एक्सेस करना है। ठीक, अब कैसे एक्सेस करेगा, या उसके पास तो कुछ है नहीं, उसको जो जो डेटा है वो उसका लोकल ड्राइव में पड़ा हुआ है, तो जो डेटा कैसे पड़ा होगा, लोकल ड्राइव में पड़ा हुआ है। ठीक, अब उसको एक्सेस करना है, कहीं और प्लेस पे चला गया उसको, तो क्या एक प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है कि उसको वो डेटा उस समय, वो जब उसको जरूरत होती है उस समय वो डेटा उसको नहीं मिल पा रहा है। और एक क्लाउड कंप्यूटिंग का जरूरत कब पड़ी, मान लीजिए जो यूजर ए है उसका जो डेटा है लोकल ड्राइव पे है, वो लोकल ड्राइव क्या हो गई, खराब हो गई, बाय डिफॉल्ट उसका कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, अब वो डेटा क्या हो गया, उसको खत्म हो, लॉस्ट हो गया, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, अब उसको कैसे बैकअप करेगा, ये प्रॉब्लम जनरेट हो गई। तो इस सब की जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट जो आया है वह है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, एक वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी होती है, जहां पे यूजर क्या करता है कि अपना डेटा को कॉन्फ़िगर करता है, क्रिएट करता है, मॉडिफाई करता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है वो है इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट के बगैर कोई भी डेटा अपलोड या हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्लाउड कंप्यूटिंग का जो वर्ड है, जो ये वर्ड है, इसको रिफर कैसे, ये दो वर्ड पे रिफर किया जाता है। पहला क्या होता है, नेटवर्क, पहला क्या होता है, नेटवर्क, ठीक, और दूसरा जो होगा इंटरनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्लाउड होगा टोटल दो चीज पे बेस्ड होगा, यानी नेटवर्क या और क्लाउड, या नेटवर्क या और इंटरनेट पे बेस्ड होगा। यहां पे क्या होता है, जो क्लाउड में जो डेटा, जो मान लीजिए जो यूजर पहले वन जो ए था, वो क्या था, जो डेटा स्टोर कर रहा था अपने सिस्टम में स्टोर कर रहा था, मतलब वो लोकल ड्राइव पे स्टोर कर रहा था। अब जो क्लाउड कंप्यूटिंग जब आया, तो लोकल ड्राइव पे ना अपलोड करने के बगैर हम लोग क्या सर्वर के हेल्प से हम उस पे डेटा को क्लाउड में स्टोर कराते थे, और उसको हम लोग कैसे अपलोड करते थे, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, नेटवर्क के हेल्प से हम लोग, कोई एप्लीकेशन के हेल्प से हम लोग अपना डेटा को क्लाउड पे स्टोर कराते थे, और हम लोग उसको एक्सेस भी क्लाउड पे कर लेते थे, और हम लोग कहीं भी हो थ्रू आउट द वर्ल्ड हम लोग अपने डेटा को एक्सेस कर सकते थ्रू इंटरनेट और उसके जो थर्ड पार्टी ऐप होते हैं उसके हेल्प से। बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग आ गए हैं, अगर हम लोग एग्जाम्पल बात करें कि गूगल क्लाउड आ गया है, ठीक, अगर पहले ही बात करें तो गूगल क्लाउड है, ठीक, और दूसरा है कि AWS है Amazon का, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट का Azure है, ठीक, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग है। ठीक, ये हम लोग क्या करते हैं, डेटा को हम लोग अपना स्टोर कराने में मदद करते हैं, फिर हम लोग डायरेक्टली वहां से एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो गूगल AWS है और गूगल क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये और भी सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि हम लोग अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है डेट वर्चुअल कर सकते हैं, हम लोग के जो हार्ड डिस्क है वो भी वर्चुअल, सब कुछ आजकल जो चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है, ये सब क्या हो गया, वर्चुअलाइज हो गए हैं, कि हम लोग को ज्यादा की हार्डवेयर की नीड नहीं है, कि ज्यादा उसके आप जितना पैसा पे करेंगे आप उसको, आपको उतनी ही वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये रिफर करता है नेटवर्क और इंटरनेट। अगर इसकी बात करें कि हम लोग जो डेटा हम लोग को जो स्टोर होगा, जो मैनेज करेंगे डेटा को या स्टोर करेंगे या एक्सेस करेंगे, तो हम लोग लोकल ड्राइव पे एक्सेस करने के बजाय हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में डायरेक्ट एक्सेस करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट। हम लोग वहां पे क्या करेंगे, क्लाउड में हम लोग डेटा को क्या करेंगे, सच अपलोड करेंगे, जैसे कि हो गया फाइल हो गया, ठीक, इमेज हो गया, डॉक्स डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक, आइडियो हो गया, और बहुत सी चीजें हम लोग क्या करेंगे क्लाउड पे अपलोड करेंगे। और जो क्लाउड पे क्या हो गया, इस समय क्या हो गया, आप लोग देखे होंगे कि जो भी गेम्स बने हैं वो डायरेक्टली सर्वर से हम लोग के चलते हैं, जैसे कि BGMI हो गया और फ्री फायर हो गया, ये सब क्या हो गया, गेम है डायरेक्ट सर्वर से चलते हैं, जो हम लोग का जो डेटा है, जो गेम है वो डायरेक्टली सर्वर पे अपलोड है, डायरेक्टली सर्वर से वो चलता है। अगर वो लोकल ड्राइव पे अपलोड होगा ना तो क्या होगा, अगर अगर हम सिस्टम में ही वो इंस्टॉल करके चल रहा हो पूरी तरह, ठीक, कोई हम लोग बाहर से एक्सेस ना हो, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली जो फ्रेंड ऐड करते हैं वो यहाँ से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उनके साथ प्ले नहीं कर पाएंगे।
और क्लाउड कंप्यूटिंग का एक इम्पॉर्टेंट है, आजकल जो मोबाइल हैं डायरेक्टली, ज्यादातर जो मोबाइल बनते हैं, जो एप्लीकेशन सॉरी मोबाइल के एप्लीकेशन जो बनते हैं वो डायरेक्टली 90% वो क्या होते हैं, सर्वर बेस्ड होते हैं, कि मतलब डायनेमिक होते हैं, डायरेक्टली सर्वर से हमें चेंज हो करते हैं, जो स्क्रीन होती है, यूआई होता है या कोई फॉर्म होता है, डायरेक्टली सर्वर से आते रहते हैं, ठीक। वो स्टैटिक नहीं होते, वो अब डायनेमिक बनने लगे हैं, ठीक। और अब क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पे अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, ठीक, ब्लॉग भी बना सकते हैं, ठीक, आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर जो आप बनाते हैं उसको डिलीवर कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से। ये सब क्या काम होते हैं, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से होता है, ठीक। अगर हम लोग और बात करें इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो सीधा आप समझ लीजिए कि हम लोग को लोकल ड्राइव पे, मतलब लोकल प्लेस पे ना स्टोर करके हम लोग डायरेक्टली क्लाउड पे स्टोर कराते हैं डेटा को। और अगर हम लोग एक एग्जांपल की बात करें कि पहले क्लाउड कंप्यूटिंग पहले कैसे डेटा स्टोर होता था, क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद कैसे स्टोर होने लगा, उसका अगर एग्जाम्पल है तो ये एक डायग्राम है, ठीक। देखिए आप क्लाउड कंप्यूटिंग, जो बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग था, डेटा हमारा किस तरह स्टोर होता था, इस तरह की डायरेक्टली लोकल ड्राइव पे एक रूम है उसी के अंदर सब कुछ है, और अगर मान लीजिए फेलियर हो गया तो ओवरऑल कंपनी का जो होता था वो सब फेलियर हो जाता था, ठीक। अब क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, इसमें क्या हुआ, सब कुछ डिवाइड हो गया है, ठीक। डेटाबेस अलग होता है, सर्वर अलग होता है, कंप्यूटर नेटवर्क अलग होता है, एप्लीकेशन होते हैं कि उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपना डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये तो भाई क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, आने वाली वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे क्या कितने टाइप के क्लाउड होते हैं, उसके एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक, कैसे हम लोग कितने टाइप के ओएस को हम लोग वहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग पे अपलोड कर सकते हैं, कितने टाइप के ओएस होते हैं, कैसे वो वर्किंग होती है।